हेलो एवरीवन, आज का हमारा पाठ है सूरदास। सूरदास की द्वारा रचित सूर सागर में संकलित है और भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसमें गोपियाँ उद्धव जी को उलाहना देती हैं। कब उलाहना देती हैं? जब वो व्रज में कृष्ण भगवान का संदेश लेकर के आते हैं तो उन्हें उद्धव जी उलाहना देती हैं कि तुम तो प्रेमहीन हो। प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती हैं और वो कहती हैं कि तुम भाग्यशाली हो कि तुम कृष्ण के पास भी रहते हो और फिर भी उनके प्रेम में डूबते नहीं हो। उसी प्रकार से प्रेम से मुक्त रहते हो जैसे कोई कमल का पत्ता पानी में रहता है, फिर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। या जैसे तेल में डूबी हुई मटकी को अगर जल में डुबाएंगे तो उस पर एक भी जल की बूंद नहीं ठहरेगी। उसी प्रकार से तुम कृष्ण जी के पास रहते हो लेकिन उनके प्रेम से हमेशा मुक्त रहते हो, उनके प्रेम के बंधन से मुक्त रहते हो। तुमने आज तक कभी भी प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया है और तुम्हारी दृष्टि किसी को देख करके उस पर उलझी नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत भोली भाली हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हम भोले हैं कि कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं। कैसे उलझ गई हैं? जैसे गुड़ चाटी जो पागी, यानी कि जिस प्रकार से चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है, हम उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में मगन हो गई हैं। इस प्रकार से वह उद्धव जी को उलाहना देती हैं। दूसरे पद में वह कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही, यानी कि हमारे मन में जो बात है वो हमारे ही पास रह गई। हमें तो लगता था कि जब कृष्ण जी आएंगे तो हम अपने उन्हें सारे कष्ट बताएंगी। कष्ट कौन से? जो वो उनसे अलग रही थी उस समय पर, जो उनको कष्ट हुआ था कृष्ण के बिना रहने पर, जो उन्हें विरह पीड़ा हुई थी उसकी कहानी सुनाएंगी, लेकिन उनके मन की मन में ही रह गई है। और वो कहती हैं, कहिए जाए कौन पै उठो नाही परत कही, कि हम उनके वापस लौटने की अवधि से जो अपने तन और मन में पीड़ा सहती चली आई हैं और अब तुम्हारे जो हमने ये योग के संदेश सुने हैं तो हम और भी विरह की आग में जलने लगी हैं। विरह के सागर में हम डूब गई हैं और सहायता मिलने की हमें आशा थी, लेकिन वह भी हमारी सहायता की आशा भी जो है वो अब चली गई है। अब हमारे पास सहायता की आशा भी नहीं है। श्री कृष्ण ने जो हमें संदेश दिया है, संदेश क्या दिया था कि योग रूपी संदेश दिया था उन्हें, ये कहा था कि अब योग करो, योग साधना करो। तो कृष्ण ने जो संदेश दिया है उसने हमारे प्राण लेने का काम किया है, यानी कि हमें ऐसे लग रहा है कि अब हमारी जान निकल जाएगी। अवधि आधार आस अवन की, हमें अब तक तो उनके आने की आस थी। तन मन व्यथा सही, हमारे तन और मन दोनों में व्यथा थी यानी दुख था। अब इन योग संदेश ही सुनी सुनी विरहिनी विरह दही, अब तो ये योग के संदेश सुन सुनकर हमारी विरह की आग और भी जल उठी है। चाहती होते गुहार इज तही तय उतते धार बही, इस प्रकार से वो कहती हैं कि जो तुम संदेश रूपी जल की धारा लेकर के आए हो वह तो हमारे प्राण ही लेकर के छोड़ेगी। विरहिनी विरह दही यानी कि आग में जल गई है, उतते धार बही यानी कि ऐसी धार बही है आग में जलाने की, हमें इस प्रकार की आप संदेश लेकर के आए हो कि अब तो हमारी जान पर बनाई है। सूरदास अब धीरे धरही क्यों मर ज्यादा न लही, सूरदास जी कह रहे हैं यानी कि गोपियों की भाषा में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के लिए तो हमने अपनी सारी मर्यादाओं को त्याग दिया था, अब उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा हमारे को त्याग देने से हमारी सब मर्यादाएं नष्ट हो गई हैं, यानी कि
उन्होंने हमें त्याग दिया है, अब तो हमारी मर्यादा भी चली गई कि जिनसे हम प्रेम करते थे उन्होंने ही हमारा त्याग कर दिया है। तीसरे पद में बहुत ही सुंदर है, हमारो हरे हारिल की लकड़ी। सबसे पहले हारिल की लकड़ी क्या होती है, एक पक्षी होता है हारिल, और वो एक लकड़ी पर अपने पैर जमा करके रहता है, पंजे में लकड़ी पकड़े रहता है, और वो ये सोचता है कि इससे वो गिरेगा नहीं। तो वो कहती हैं कि हम तो, हमारे लिए हरि जो हैं, भगवान जो हैं, वो हारिल की लकड़ी की तरह हैं, यानी कि हमारा वो सहारा है, और हम तो उनका ध्यान करके हमेशा उनका ध्यान करती रहती हैं। कैसे, मन क्रम वचन नंदन नंद नंदन उरी है दृढ़ करी पकड़ी, कि हमारे मन में तो हमेशा श्री कृष्ण रहता है, जिस प्रकार से हारी लकड़ी को पकड़े रहता है, हम तो अपने मन में कृष्ण नाम की लकड़ी को पकड़े रहती हैं। अब उस लकड़ी से हमें कोई छुड़वा नहीं सकता है, और हमारा मन सोते जागते उठते बैठते कृष्णा कृष्णा की रट लगाए रहता है, हम तो हमेशा उसका स्मरण करती रहती हैं। और योग की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है मानो कड़वी ककड़ी खा ली हो, यानी कि हमें ये तुम्हारी योग की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, यह तो तुम बीमारी के रूप में लेकर के आए हो, और हम तो इस तुम्हारी बीमारी से अपरिचित हैं, हमें इसकी बीमारी की कोई जानकारी नहीं है, तुम तो यह बीमारी और लोगों को जाकर के दे दो जिनके मन में हमेशा चंचलता रहती है, यह बीमारी जाकर के उन्हें दे दो। यानी कि हमारा तो मन श्री कृष्ण के प्रति स्थिर है, हमारा तो प्यार आप अलग नहीं कर सकते हैं, जिसे जिसका मन चंचल है उस लोग उन्हीं को आप ये योग की बीमारी जाकर के दो, यानी यह संदेश आप उनको दो जिनका मन चंचल है, हम तो अपने प्रेम के प्रति स्थिर हैं। अन्य पद में फिर वो उलाहना देते हुए कहते हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, कि हरि भी ऐसे हैं जो राजनीति पढ़कर आए हैं, यानी हमारे साथ वो राजनीति कर रहे हैं, अभी वो राजनीति में पूरी तरह निपुण हो गए हैं। यह भंवरा हमसे जो बात कह रहा है वे क्या तुम्हें समझ आई, आपस में सखियां बात कर रही हैं कि उद्धव जी जो कह रहे हैं क्या वह तुम्हें समझ में आया, कि एक तो कृष्णा पहले ही बहुत चालाक था, उसने अभी गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिए, यानी कि वो अभी हमारे साथ भी राजनीति करने लग गया है, कि हमें योग का संदेश दे रहा है। हे उद्धव, पुराने जमाने के सज्जन दूसरे लोगों का भला करने के लिए इधर उधर जाते थे, और तुम हो कि दूसरों को दुख देने के लिए चले आए हो। हम तो केवल इतना जानते हैं कि सज्जन दूसरों को दुख लेने देने के लिए कभी भी नहीं जाते, लेकिन तुम हमारे को दुख देने के लिए क्यों चले आए हो। हम तो केवल इतना ही चाहते हैं कि हमें हमारा मन मिल जाए, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुपचाप चुरा कर ले गए हैं, और उन्होंने जो ये न्यायपूर्ण काम था उनकी आशा थी हमें तो, लेकिन ये तो कोई न्यायपूर्ण काम नहीं है, वे तो दूसरों के द्वारा अपनाई गई रीतियों से छुड़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं, यानी कि श्री कृष्ण से प्रेम करने की रीति अपना रहे थे, पर वे तो चाहते हैं कि हम प्रेम की रीति को छोड़ करके योग साधना को अपना लें, लेकिन यह तो हम नहीं कर सकते। सच्चा राजधर्म तो उसी को माना जाता है जिसमें प्रजाजनों को कभी सताया नहीं जाए, लेकिन आप योग का संदेश लेकर के आए हो, यानी कि हमारा मन दुखी हुआ है, यानी कि हमें सताया गया है। भाव है कि श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए हमारे सारे सुख चैन को छीन कर हमें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। गोपियाँ जो हैं उनके व्यवहार से छिन्न भिन्न है, अभी उन्हें लग रहा है कि हमें वो तकलीफ देना चाहते हैं, और वो तो श्री कृष्ण की प्रेम की राह पर चलना चाहती थी, पर श्री कृष्ण चाहते थे कि वो योग की राह पर चलना शुरू कर दें, और जो उनके प्रति प्रेम है उसे वो छोड़ दें, लेकिन वो उन्हें फिर उलाहना और सलाह देती हैं कि राजा का काम तो है कि प्रजा को हमेशा सुखी रखा जाए, लेकिन आप तो ऐसा
नहीं कर रहे हो, उल्टा हमें दुखी करने वाला एक संदेश लेकर के आए हो, योग संदेश लेकर के आए हो। इस प्रकार से सूरदास जी के द्वारा लिखा गया ये अत्यंत सुंदर पद है, जिसमें वो उद्धव जी को भिन्न भिन्न तरह से उल्हाने देती हैं। करवी ककरी वाला चींटी का उदाहरण है, कमल के पत्ते वाला, और गागरी वाला, गगरी जो तेल लगी हुई गगरी होती है, पानी में कभी भी उस पर पानी नहीं लगता है। तो इस प्रकार से इसमें उन्होंने अत्यंत सुंदर तरीके से उद्धव को उल्हाना दिया है। भ्रमर गीत क्या होता है, एक क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको। ये है जो है, इसमें भ्रमर और गीत दो शब्दों के मेल से ये बना होता है। भ्रमर छह पैरों वाला होता है, जिसका रंग काला होता है, इसे भौंरा भी कहते हैं। गीत का तात्पर्य है, भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ हुआ भांवरे का गान। गीत यानी गाना, भौंरा जो गीत गाता है वो। तो इस प्रकार से जो संदेश भेजे थे विरह की अग्नि के लिए, वो संदेश दे करके समझाए गए हैं इसमें भ्रमर गीत में।